कहते हैं जिनके नेक इरादे और हौसले बुलंद हो वह अपने सपने को पूरा करने से कभी नहीं चूकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया भागलपुर की बेटी मीमांसा ने। भागलपुर शहर के जीरो माइल चाणा के विहार कॉलोनी की रहने वाली मीमांसा 68वें बीपीएससी परीक्षा में 10वीं रैंक लाकर सहायक आयकर आयुक्त बन गई है। मीमांसा के पिता मिथिलेश कुमार यादव कोऑपरेटिव विभाग में कार्यरत है, वहीं उनकी माँ कंचन देवी एक गृहिणी है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि मीमांसा घर की बड़ी बेटी है। पिता ने कहा, आज मेरी बेटी ने मेरा नाम हर जगह ऊंचा कर दिया। मीमांसा का यह दूसरा प्रयास है जिसमें उसने सफलता पाई। पहला प्रयास वह 2022 में पोस्ट ग्रेजुएट के समय ली थी, जिससे उसे निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद वह घर लौटकर कठोर परिश्रम कर आज उस मुकाम को हासिल की है। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माउंट असीसी भागलपुर से इंटरमीडिएट तक की थी। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर किया। उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। मीमांसा बताती है कि वह बिना कोचिंग की यह सफलता पाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं की, सेल्फ स्टडी पर मैं मुख्य रूप से फोकस किया। वह हर दिन तकरीबन 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करती थी। सोमवार की रात 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही मीमांसा को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। वो आप कंसिस्टेंट रहिए, मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि एक दिन की जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। हर दूसरे तीसरे दिन मन नहीं करता वही किताबें उठाने का, मन करता है कुछ नया करें, वही पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बहुत दिनों से देख रहे हैं तो मन किसी का नहीं करता ये बार बार एक ही किताब पढ़ने का। बट छोटे छोटे मिनी टारगेट्स बनाए, एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे तो वो अचीव नहीं होगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, कंसिस्टेंटली पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, बीच बीच में ब्रेक लें, हॉबीज को परस्यू करें। मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है तो मैं बीच बीच में पेंटिंग बनाते रहती थी। इनफैक्ट मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला था डूडल आर्ट बनाना, तो उन्होंने बोला ये क्या होता है, तो मैंने बोला जब भी रैंडम थॉट्स आते हैं ना तो मैं उनको स्केच कर देती हूँ एक पेपर में। भागलपुर जिले के नवगछिया की एक शिक्षिका ने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। हेमलता चौहान की पढ़ाने का अंदाज बच्चों को खूब भा रहा है। शिक्षिका हेमलता चौहान के पढ़ाने के अनोखे अंदाज की चर्चा आज सभी की जुबान पर है। वह हर दिन नए नए प्रयोग कर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराती है, जिससे बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका शायद ही बेहतर देखने को मिल पाता है, लेकिन पढ़ाने का ये तरीका जमकर सुर्खियां बटोर रहा है और सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। दरअसल भागलपुर जिले के नवगछिया नगर परिषद के फूलचंद मध्य विद्यालय की शिक्षिका हेमलता चौहान के पढ़ाने के तरीके के लोग कायल हो गए हैं। वायरल वीडियो में शिक्षिका छात्रों से काफी सुरीले और मजाक के अंदाज में गाने गाकर गुड मॉर्निंग कहने के लिए सिखा रही हैं और छात्र भी मस्ती में उनसे सीख रहे हैं। इसी दौरान साथ ही शिक्षिका ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो खूब वायरल हो रहा है। शिक्षिका तीसरी से पांचवी कक्षा के बच्चों को वह सिखा रही हैं, जो सरकारी विद्यालयों में शायद आठवीं तक में बच्चे सीख पाते हैं। भागलपुर में शहरवासियों को अब जाम से निजात मिलेगी। मंगलवार यानी आज से तिलकामांझी ऑटो स्टैंड में लोग अपने वाहन को पार्क कर सकेंगे, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को मेयर वसुंधरा लाल की मौजूदगी में ऑटो स्टैंड का उद्घाटन किया गया। आज से इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। ऑटो स्टैंड पूरी तरह सज धज कर तैयार है। यहाँ पर लोग अपने वाहन को पार्क करेंगे। ऑटो स्टैंड नहीं रहने के कारण शहरवासियों को जाम की समस्या झेलनी पड़ती थी। लोग अब ऑटो स्टैंड में जाकर अपने तय स्थल के लिए आसानी से जा पाएंगे, इसको लेकर कई महीनों में तैयारी चल रही थी। आपको बता दें कि नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर की मौजूदगी में इसकी बंदोबस्ती के लिए खुली निबंध में बोली लगाई गई थी। स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से न्यूनतम बोल 4.50 लाख रुपए तय किया गया था। डाक बढ़कर 5.62 लाख तक की गई और इसी दर पर नीरज कुमार यादव को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तिलकामांझी बस स्टैंड स्थित ऑटो स्टैंड का संचालन मंगलवार से शुरू किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह स्टैंड कोरोना काल के दौरान 2020 में ही बनाया गया था। 2022 में यह
बनाकर पूरी तरह तैयार हो गया था, लेकिन टेंडर नहीं होने के कारण यहां से ऑटो का संचालन नहीं हो रहा था। अब तिलकामांझी में सभी ऑटो चालकों का स्टैंड खड़ा करना होगा। सड़क पर खड़ी करने पर ट्रैफिक या नगर निगम जुर्माना वसूल सकता है। स्टैंड की सुविधा हो जाने से तिलकामांझी में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि अब शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगा। टेंडर प्रक्रिया से लेकर ऑटो स्टैंड पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। मंगलवार से इनको सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि तय शुल्क के अनुसार यहां पर ऑटो टोटो पार्किंग किया जाएगा। भागलपुर में पुलिस की इंसानियत देखने को मिली। जब कड़ाके की ठंड की चपेट में आई एक महिला को पुलिस ने फौरन प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला लक्ष्मी कुमारी रोजाना की तरह काम करने जा रही थी। इसी दौरान मंगलवार की दोपहर भी वह काम करने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसे ठंड मार दिया, जिसकी जानकारी आपातकालीन 112 टीम को स्थानीय लोगों ने दी। आनन फानन में आपातकालीन 112 की टीम मौके पर पहुंची और अचेत पड़ी लक्ष्मी को प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 112 टीम के सिपाही ने बताया कि मंडी चमकेला कैसे एक फोन पर जानकारी दी गई कि एक महिला को ठंड मार दी है, वह बेहोश काफी देर से पड़ी हुई है, जिसकी जानकारी पर हम लोग फौरन घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में डॉक्टर रविकांत का कहना है कि महिला फिलहाल स्वस्थ है, उनको ठंड लग जाने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। क्या घटना हुई थी? वह महिला पता चला कि जहाँ पर काम करने जाती है, जिसका नाम लक्ष्मी बता रहा है, तो वही बेहोश ठंडी से मैंने बेहोश गई दी थी, बिल्कुल आपने उसको उठा के सदर अस्पताल पहुँचाया। क्या स्थिति अभी महिला की? नॉर्मल सीरियस है, लेकिन फिलहाल प्राथमिक उपचार चल रहा है। देखिए आगे कि मकान मालिक मतलब जो वर्क जिनके यहाँ ये काम करती थी, वो हम लोग को 112 पे कॉल की कि मेरे यहाँ काम करने वाली है आई है, बेड पे गिरी हुई है, बहुत देर से बेहोश है। उसके बाद हम लोग को जैसे सूचना मिला, उसी टाइम हम लोग 5 मिनट के अंदर में वहाँ पहुँच गए। कहाँ एरिया क्या था? मुंडी चक है, मुंडी चक के पास डिवाइन हेल्थ स्कूल है, डिवाइन हेल्थ स्कूल है, वहीं पर थी। जब वहाँ गए तो कोई नहीं थी, एक उनकी जो काम करवाती थी मकान वाली वो थी, और वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके बाद हम तीनों आदमी उनको हेल्प करके यहाँ पे आपातकालीन व्यवस्था जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचा। क्या लगता है? थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, लेकिन ठीक है, अभी उनका उपचार सही समय पर उपचार हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सभी अतिथियों का गुलाब फूल देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए अजीत शर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के बेटे वैभव शर्मा ने यह अभी कहा कि मुझे राजनीति में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं राजनीति में अभी कदम नहीं रखना चाहता हूं। वहीं उन्होंने बताया कि मैं भागलपुर 12 वर्षों बाद आया हूं। पटना से भागलपुर आने के क्रम में काफी विकास दिखा। अभी 12 साल के बाद आए और पापा ने बोला था कि इस बार आना है और सारे लोगों के साथ रहना है, तो फिर बस आ गए। भागलपुर को देख के पहले और अभी में कुछ अंतर दिखा? काफी डेवलपमेंट हो गई है, काफी सारे मॉल्स खुल गए हैं, रोड पटना से इधर आया था, काफी रोड बन चुका है और काफी अच्छा लगा आके। राजनीतिक क्षेत्र में आने का भी कुछ सोच? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, बस पापा के साथ खड़ा है। भागलपुर आप आना चाहते हैं? आपकी यहाँ पर रह के कुछ ऐसा करें कि? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस का देखना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान करने के प्रयास से आज बिहार के कई विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बाबत आज भागलपुर के भी कई विद्यालयों में इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की भागीदारी देखी गई। वहीं इस कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने भी लोगों को शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया एवं लाभ कैसे मिले उस पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षा संवाद कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, विद्यालय के शिक्षक एवं दर्जनों अभिभावक छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने सबौर स्थित कई विद्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों से योजनाओं के बारे में बात की।
तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं और जो उनके अभिभावक हैं, अगर इसमें से 10-20 बच्चों को बच्चे भी इससे प्रेरित होकर के कुछ बहुत अच्छा कर लें तो हम लोगों की यही सफलता है। और अगर वो किसी स्कीम से अभी भी वंचित हैं उसका लाभ उठा करके अगर वो आगे बढ़ें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएँ, तो यही हम लोगों की सफलता है। वैसे लगातार प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कीम के लाभ से वंचित ना हो, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उनके माता पिता को भी बताना। और जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो आसपास के लोगों को भी वो लोग इस कार्यक्रम से जाकर के बताते हैं कि कोई अगर नीडी है, उसको किसी स्कीम की ज़रूरत है, तो इन स्कीम्स का लाभ कैसे लिया जा सकता है, प्रक्रिया क्या है। तो ये सब इस कार्यक्रम का वही उद्देश्य है और आप लोगों को भी बताना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ है। और आप लोग सब लोग अप्रिसिएट कर रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में जो विद्यालय में उपस्थिति बढ़ी है या जो 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, एक तरफ तो 2 लाख परिवारों को नौकरी मिली और दूसरा जो है विद्यालय में जो पठन पाठन का स्तर बढ़ा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो इस भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निसअंबे पंचायत में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुखिया नीलू देवी के घर जमकर हंगामा किया। वाटर सप्लाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मुखिया के घर पर पहुंचकर मंगलवार को जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि निसअंबे पंचायत के दिग्गी गाँव में करीब 1.5 साल से पानी की समस्या को लेकर लोग जूझ रहे हैं, लेकिन निजात दिलाने के लिए ना तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि। आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में मंगलवार को ग्रामीण मुखिया के घर पहुंच गए जहां पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मधुसूदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। आक्रोशित लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुखिया से जब मिलने के लिए आए तो मुखिया ने कहा कि हम पब्लिक की सेवा नहीं करेंगे, हम नौकर नहीं है। आक्रोशित महिला आशा देवी ने बताया कि बीते 1.5 साल पहले से हमारे गाँव का मोटर खराब है, पीएचईडी विभाग के अंतर्गत आने से हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। जब मुखिया के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम पब्लिक के नौकर नहीं है, जो पब्लिक का काम करेंगे। इससे आक्रोशित लोगों ने मुखिया का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मधुसूदनपुर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया। मुखिया नीरू देवी ने बताया कि बिना सूचना के ग्रामीण सुबह ही मेरे घर पर पहुंच गए, सूचना देना चाहिए। मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द ही पानी की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा।